तो इसे हम कहते हैं मेथड गुड मॉर्निंग दीप्ता जी मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर, हीट के ट्रांसफर के मेथड क्या क्या हो सकते हैं, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में हीट जो चेंज होती है, चाहे लेटेंट हीट से सेंसेबल हीट में हो या सेंसेबल हीट से लेटेंट हीट में हो। तो इसमें प्रोसेस में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले रेडिएशन, रेडिएशन की फॉर्म में भी हीट ट्रांसफर हो सकती है। दूसरा कंडक्शन, इस फॉर्म में भी हीट चल सकती है। तीसरा कन्वेक्शन, और सबसे लास्ट एडवेक्शन। तो ये हीट के ट्रांसफर के कुछ मेथड होते हैं जिनके थ्रू हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर होती है। सबसे पहला आता है कि रेडिएशन के थ्रू कैसे एक तरीके से हीट ट्रांसफर होती है। तो इसके लिए क्या होता है, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक वेव के फॉर्म में हीट चलती है। और इसी फॉर्म में हमें जो सन की लाइट मिलती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के फॉर्म में ही हमें सन की लाइट मिलती है, क्योंकि सन हमारे से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे है। उसके बाद भी काफी स्पीड के साथ हमें जो लाइट है सन की एनर्जी के फॉर्म में दिखाई देती है। और एक और चीज, रेडिएशन के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी चल सकता है, क्योंकि हमारे जो गैलेक्सी है या सोलर प्लेनेट है उसमें कई बार सन से जो लाइट आती है वो वैक्यूम फॉर्म में भी चलती है, मतलब जहां पर कोई भी चीज होती भी नहीं है। तो इसलिए रेडिएशन के लिए ट्रांसफर की जरूरत नहीं है। और स्पीड ऑफ वेव, ये आप लोगों ने पहले कभी पढ़ा होगा, स्पीड ऑफ वेव को हम कैसे एक तरीके से बोलते हैं कि भाई उसकी वेवलेंथ कितनी है। वेवलेंथ मतलब ऐसे आपने एक ग्राफ देखा होगा तो ऐसे बोलते हैं पर सेकंड में एक वेव कितना चली उसी को उसकी वेवलेंथ कहते हैं। और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग फ्रीक्वेंसी से, और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से अपोजिट होते हैं। अगर वेवलेंथ बड़ी होगी, एक वेवलेंथ ही हो सकती है क्योंकि इसकी वेवलेंथ कम है, मतलब डिस्टेंस कम है, इसलिए फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। और इसकी वेवलेंथ ज्यादा है इसलिए फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार आने की पॉसिबिलिटी बहुत कम हो जाएगी। तो हमारे यहाँ जो सन की लाइट आती है वो इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक वेव के रूप में होती है, और उसकी वेवलेंथ काफी ज्यादा है, इसलिए शुरुआत में आप देखेंगे फ्रीक्वेंसी भी थोड़ी सी कम होती है। और इस एक सेकंड में कितनी एक तरीके से वेव चली उसी के बेस पर हम लोग रेडिएशन को काउंट करते हैं। और हम लोग बहुत सारी रेडिएशन ऐसे ही हमारे यहाँ जो दिखती है उसको भी एक तरीके से लेते हैं। एक सबसे पहले एक और चीज हम डाल लेते हैं कि भाई वेव जो होती है वो किस किस फॉर्म में होती है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम। इसके बारे में अक्सर आपसे ऐसे ही पूछ लिया जाता है कि भाई किस फॉर्म में हमें एनर्जी मिलती है, कैसे एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी चलती है, तो उसको चलने के लिए किस बेस पे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो इसी चीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। और उसके हिसाब से ही कि भाई वेवलेंथ अगर ज्यादा होगी तो फ्रीक्वेंसी कम होगी, उसके बेस पे ही हम लोग इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को डिवाइड करते हैं। सबसे पहले हमें कॉस्मिक रेज दिखाई देती है। कॉस्मिक रेज
कॉस्मिक रेस से एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट हमें बहुत सारी रेडिएशन दिखती है। अगला होता है गामा रेस, ये थोड़ी सी खतरनाक होती है और जिस जगह आती है बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। अगला है एक्स रेस, ये हम लोग यूज भी करते हैं, जब हमारी बॉडी में कुछ दिक्कत होती है तो हमारी बॉडी से एक्सरे लिए जाते हैं, जिससे हड्डियों का या हमारे जो भी बोन्स हैं और भी बहुत सारी चीजें उसको कैसे एक तरीके से हम लोग स्टडी कर सकते हैं। एक्सरे के बाद हमारा क्या होता है, यूवी रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, ये भी आप लोगों ने सुना होगा। अल्ट्रावायलेट रेस को हमारा जो एटमोस्फियर है वो भारी ट्रांसफर कर देता है, थोड़ी बहुत हमारे यहाँ आ पाती है, लेकिन अगर ज्यादा लेवल पे आ गई तो इससे कैंसर होने का खतरा रहता है, हमारी बॉडी को भी ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है। अगला है विजिबल रेस, जो हमें दिखाई देती है उसी को कहते हैं विजिबल रेस। उसके बाद आता है इंफ्रारेड, आप लोग ये बना लेना इंफ्रारेड। उसके बाद आता है माइक्रो, आप लोगों के घर में भी माइक्रोवेव होगा जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को गर्म कर सकते हैं, जिसे एक तरीके से ओवन के नाम से भी जाना जाता है। अगला लास्ट रेडियो वेव, जिस फ्रीक्वेंसी पे आप लोग रेडियो या किसी की वॉइस जो सुनते हो वो रेडियो वेव कहलाता है। तो ऐसे हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, इसमें ये सारी रेडिएशन एक तरीके से चलती है, और इन रेडिएशन के लिए अगर मीडियम होता है तो अच्छा, और मीडियम ना भी हो तो उसके बावजूद भी रेडिएशन दिखाई दे सकती है। तो इनके लिए जरूरी नहीं कि रेडिएशन हो, और इसी को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम में बहुत सारी रेडिएशन, और जैसे ही हम कॉस्मिक रेस से इधर की तरफ जाएंगे तो कॉस्मिक रेस से इधर जब जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, और अभी हमने पढ़ा वेवलेंथ अगर इंक्रीज होगी तो कहीं ना कहीं फ्रीक्वेंसी कम होगी, इधर से इधर जाने पर इन लेंथ जो भी वेव है उनकी फ्रीक्वेंसी कम होगी, और फ्रीक्वेंसी कम तो इनका इंपैक्ट कम होगा, क्योंकि अगर एक ही रेडिएशन बार 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 किसी चीज पर पड़ेगी तो इसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। जैसे आप लोगों ने एक बचपन में एक्सपेरिमेंट किया होगा कि एक शीशा आपने लिया और उस शीशा से सन की लाइट को आप लोगों ने सेंटर पर रखा, और उस सन की लाइट को अगर आप किसी पेपर पर रखोगे तो कहीं ना कहीं पेपर जल जाता है कुछ मिनटों के बाद। तो उसका रीजन होता है वेवलेंथ को और फ्रीक्वेंसी को आपने एक जगह सेंट्रलाइज कर दिया और उसकी वजह से उसका इम्पैक्ट पड़ गया, और उसी प्रोसेस के थ्रू आजकल हम लोग सोलर पैनल बनाते हैं जिससे हमारी सोलर लाइट जो ग्रीन एनर्जी है वो जनरेट होती है। तो उसका कॉन्सेप्ट भी होता है कि जो भी लाइट है उसको एक सेंट्रलाइज पॉइंट पे हम रखें और उसके थ्रू सारी चीजें हम चलाएं। तो ये विजिबल रेस तक जो आप देख रहे हो, ये सारा एरिया विजिबल रेस तक, इसे हम कहते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन, लॉन्ग वेव रेडिएशन। और विजिबल रेस के बाद जो आप लोगों को इंफ्रारेड, माइक्रोवेव, रेडियो वेव, ठीक है, ये सारी चीजें लॉन्ग नहीं, ये वाला होगा शॉर्ट वेव रेडिएशन, इधर बढ़ रहा है ना हमारा, और ये वाला होगा लॉन्ग वेव रेडिएशन। हाँ, मैं थोड़ा अपोजिट लिख दिया, ये लॉन्ग वेव रेडिएशन और इधर वाला शॉर्ट वेव रेडिएशन। और जो हमें अर्थ से सनलाइट मिलती है वो मिलती है यूवी रेस और विजिबल रेस के रूप में। ये दो रेस जो आपको दिख रही है यूवी और विजिबल, इसके रूप में हमें सोलर लाइट जो है वो मिलती है, सन से जो लाइट आती है वो या तो अल्ट्रावायलेट रेस के रूप में होती है या विजिबल रेस के रूप में होती है, और इसके थ्रू ही हम सारी चीजें करते हैं। तो इसके थ्रू ही हमें पता चलता है कि भाई कैसे सन की लाइट आई,
और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम हमें बताता है कि भाई सन की लाइट एक तरीके से शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में आती है, इसमें अल्ट्रावायलेट रेस और साथ में विजिबल रेस। आपसे कई बार पूछ लिया जाएगा कि किस किस वेव के फॉर्म में हमारे पास जो सन की लाइट है वो आती है और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। और इसी से जुड़ी हुई एक बात आती है कि भाई हीट बजट, हमारी अर्थ का क्या कोई हीट बजट होता है कि कैसे हमारी अर्थ किसी लाइट को एब्जॉर्ब करती है, और अगर लाइट को एब्जॉर्ब करती है तो डेली फिर उसके बाद रिफ्लेक्शन की वजह से हमारा टेम्परेचर भी कम हो जाता है। अगर ऐसा होता कि अर्थ बस एब्जॉर्ब करती और रिफ्लेक्शन नहीं करता तो हमारा टेम्परेचर काफी ज्यादा हो जाता। और इसे एक सिंपल फॉर्म में ऐसे बोला जाता है कि मान लेते हैं अर्थ ने हमारी ने सन की जो लाइट है 100 यूनिट सन की लाइट अर्थ को मिली, और ये सन की लाइट जो अर्थ को मिली ये शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में मिली, मान लो अल्ट्रावायलेट रे या विजिबल रेस के रूप में मिली। और इसमें से कुछ को हमारी अर्थ क्या कर देती है, वापस कर देती है, चाहे अर्थ का लैंड सरफेस वापस करे या हमारी जो एटमोस्फेयर है वो वापस करे। ऐसा बोला जाता है लगभग 35% इस 100 यूनिट में से वापस कर दिया जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन, कि भाई आने से पहले ही हमारी अर्थ वापस कर देती है। इसका मतलब 65 यूनिट हमारे पास रह गया, और इससे हमारी अर्थ पर एनर्जी जनरेट होती है। धीरे धीरे जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच एक्टिविटी होगी, और पार्टिकल्स के बीच जैसे हम लोग अपने हाथ की वजह से हीट क्रिएट करते हैं तो इसकी वजह से सेंसिबल हीट क्रिएट होगी, जो हमने उस दिन देखा था भाई सेंसिबल हीट। जैसे हम वाटर में देखते हैं, वाटर में भी हीट होती है, और जब वो वाटर स्टीम में चेंज हो जाता है तो वो लेटेंट हीट में चेंज हो जाता है। और फिर उसके बाद जो ये वाला हीट है 65%, इसको भी हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं लॉन्ग वेव रेडिएशन के। ये नॉर्मल प्रोसेस होता है हमारी अर्थ पर हीट बजट का, लेकिन इस वजह से हमारी अर्थ इतने सालों से ना तो टेम्परेचर बढ़ा है ना कम हुआ है, लेकिन ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस की वजह से अब ऐसा नहीं रहा है। अब हम लोगों ने ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को बढ़ा दिया है। ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को आप ऐसे समझ सकते हो, एक कांच का घर है और उस कांच के घर में शॉर्ट वेव रेडिएशन एंटर करी, होना ये चाहिए था कि लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस जाती, लेकिन लॉन्ग वेव रेडिएशन जाने के लिए ये पास ही नहीं होने दे रहा और ये लॉन्ग वेव रेडिएशन वापस इधर ही आ रहा। इसी चीज को हम क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग, कि अब अर्थ की ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और उसका रीजन लॉन्ग वेव रेडिएशन का पूरी तरीके से बाहर ना जाना। और इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है, ह्यूमन बीइंग ने कहीं ना कहीं प्लांट को एक तरीके से जो नुकसान पहुंचा है उसकी वजह से इम्पैक्ट पड़ा है, और इस इम्पैक्ट की वजह से धीरे 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 हमारे एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर है वो बढ़ने लग गया है। तो ये सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं, और ये जो शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में जो लाइट आई इसी को एक और नाम से भी बोला जाता है इंसोलेशन, एक और नाम इसको दे दिया जाता है इंसोलेशन, इनकमिंग सोलर रेडिएशन इसी को बोला जाता है, कि भाई सोलर से जो रेडिएशन आई। कई बार बस ये वर्ड पूछ लिया जाता है इंसोलेशन क्या होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, और आप लोगों से पूछा भी जाएगा कि अर्थ पर जो रेडिएशन आती है वो शॉर्ट वेव रेडिएशन है या नहीं, तो आप याद रखना शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में हमारे अर्थ आती है और जो वापस जाती है एंड में वो लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में। रिफ्लेक्शन जो होता है वो किसमें होता है, शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, मतलब आने के तुरंत बाद ही वापस चली गई, और फिर एंड में जो सारी चीजें डाइवर्ट होती हैं वो होता है लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में, लेकिन उसमें ह्यूमन बीइंग की वजह से कुछ इंटरफेरेंस हो जाता है, इंटरफेरेंस की वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है
और इसी चीज को हम एक और नाम से भी जानते हैं, टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। टेरेस्ट्रियल मतलब एक तरीके से जहां पर रॉक का स्ट्रक्चर हो या लैंड सरफेस हो, उसी को हम कहते हैं टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। तो ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट बनता है कि कैसे हमारी अर्थ एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है और कैसे हमारी अर्थ रिफ्लेक्ट करती है। और रिफ्लेक्शन से जुड़ा हुआ एक और कॉन्सेप्ट आता है एल्बिडो, कि भाई रिफ्लेक्शन जो अर्थ का होता है वो कैसे होता है और उसको कौन डिसाइड करता भैया कितना रिफ्लेक्शन हो गया। क्या अर्थ के हर सरफेस से सेम रिफ्लेक्शन होगा, चाहे लैंड वाला हो, रॉक वाला स्ट्रक्चर हो, या प्लेटू वाला हो, या आइस वाला हो? ऐसा होगा कि हर स्ट्रक्चर से एक तरीके से रिफ्लेक्शन होगा या इसमें कुछ डिफरेंस होता है? और इसी चीज को पढ़ने के लिए हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसका नाम होता है एल्बिडो। ठीक है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आप लोगों ने बना लिया होगा, तो ये समझ आया होगा। इसी से जुड़ी हुई एक और बात होती है एल्बिडो। हमने ये देखा कि भाई कैसे हमें एक तरीके से लाइट मिलती है, तो लाइट मिलती है यूवी रेस, विजिबल रेस के फॉर्म में। उसमें से 35% को हमारी जो अर्थ है वो रिफ्लेक्शन कर देती है शॉर्ट वेव रेडिएशन के रूप में, 65% यूनिट हम लोग एब्जॉर्ब करते हैं और उसे फिर बाद में लॉन्ग वेव रेडिएशन के रूप में हमारी अर्थ वापस कर देती है। नॉर्मल कंडीशन है विदाउट ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरेंस के, लेकिन ह्यूमन बीइंग उसमें इंटरफेयर करता है, इसलिए हमारा जो घर है वो एक तरीके से लेड का हाउस बन जाता है। और इस वजह से जो ये लॉन्ग वेव रेडिएशन है कुछ वापस जाती, कुछ उल्टी आ जाती है, इस वजह से हमारा टेम्परेचर हाई हो जाता है और इसी को क्या कहते हैं, ग्लोबल वार्मिंग। और इसे हम लोग ग्रीन हाउस गैस, जो यूरोपियन कंट्री है या जहाँ पर थोड़ा सा टेम्परेचर कम होता है, वहां पे लोग अपनी फार्मिंग के लिए इस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं कि वो हाउस के आसपास एक नर्सरी बनाते हैं जो कांच की बनी होती है। और कांच की खासियत, आप लोग जब गाड़ी में बैठे होंगे तो आप लोगों ने भी देखा होगा, अगर आपने गाड़ी अपनी सनलाइट में पार्किंग की है तो उसमें लाइट एंटर तो की लेकिन वापस नहीं जा पाई, इस वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट भी कहीं ना कहीं इस ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट को ही एक तरीके से शो करता है। ऐसे ही आप सोच सकते हो कि हमारा पूरे अर्थ पर ये सारी चीजें होंगी। अब एल्बिडो, एल्बिडो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो रिफ्लेक्शन को बताता है कि अलग अलग पार्ट पर एल्बिडो क्या होगा। और एल्बिडो को अगर सिंपल टर्म्स में समझे तो ये क्या कहता है कि भाई अर्थ के द्वारा हमारी जो अर्थ है उसने रिफ्लेक्शन कितना किया, ये डिवाइड बाई हमारी अर्थ को टोटल एनर्जी कितनी मिली। ठीक है, अर्थ के पास टोटल एनर्जी कितनी है और अर्थ ने उसमें से रिफ्लेक्टेड एनर्जी जो है वो कितनी है, और इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है डेट से, इसी को हम कहते हैं एल्बिडो। इसका मतलब एल्बिडो का रिफ्लेक्शन के साथ पॉजिटिव रिलेशन है और टोटल एनर्जी के साथ नेगेटिव रिलेशन है। तो अपोजिट रिलेशन एक तरीके से ये दिखाता है। अगर हम सिंपल टर्म्स से और समझे, एल्बिडो अगर ज्यादा होगा इसका मतलब रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा, और रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा तो अर्थ को जो एनर्जी मिलेगी वो कम होगी। ये एक तरीके से कॉन्सेप्ट एक बनेगा कि भाई किसके साथ एल्बिडो का कैसा रिलेशन है। और क्योंकि एनर्जी के साथ इसका नेगेटिव रिलेशन है, और एनर्जी मतलब टेम्परेचर, इसलिए टेम्परेचर के साथ भी एल्बिडो का कैसा रिलेशन होगा, नेगेटिव, क्योंकि ये टेम्परेचर को बढ़ने नहीं दे रही, इसका मतलब रिफ्लेक्शन को बढ़ावा दे रही है। तो एल्बिडो का इसके साथ एक तरीके से नेगेटिव रिलेशन होगा। एल्बिडो को डिसाइड करने वाले फैक्टर क्या क्या है, कि भाई कौन कौन डिसाइड करता है कि भाई एल्बिडो कैसे होगा। नॉर्मली माना जाता है कि हमारी अर्थ का जो एल्बिडो है 35 यूनिट हम लोग रिफ्लेक्ट कर देते हैं हर 100 यूनिट में से, तो इसका मतलब एल्बिडो कितना हुआ, 35%।
ये ऑन एन एवरेज माना जाता है कि हमारी अर्थ का ये सारी चीजों जो डिसाइडिंग फैक्टर है, पहला कलर, भाई कलर कैसा है, कलर थोड़ा डार्क है या लाइट है। आप लोगों ने भी ये चीज पढ़ा होगा, जो कलर थोड़ा सा डार्क होता है जैसे ब्लैक कलर हो या और भी कलर हो, वो लाइट को थोड़ा ज्यादा एब्जॉर्ब करता है, सोलर एनर्जी को। वही जो थोड़ा सा हल्का कलर होता है, व्हाइट कलर हो या और कोई कलर हो, वो लाइट को ज्यादा रिफ्लेक्ट करता है। तो कलर कैसा है सरफेस का या कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो अर्थ पे है, उस पर डिपेंड होगा कि भैया एल्बेडो ज्यादा होगा या कम होगा। तो हम देखें, हमें जैसे सॉइल भी बहुत सारी दिखती है, एक सॉइल आप लोगों को दिखेगी जो थोड़ी सी सॉल्टी टाइप में होगी या जिसमें थोड़े से पार्टिकल्स जो होते हैं वो लाइट कलर के होते हैं, ऐसी सॉइल आपको दिखेगी। दूसरा आपको रेड सॉइल दिखती है, तीसरा आप लोगों को ब्लैक सॉइल दिखती है। तो जिस सरफेस पर जैसी सॉइल होगी उसके बेस पे भी डिसाइड होगा कि भैया एल्बेडो होगा ज्यादा या कम, क्योंकि ब्लैक सॉइल इसका जो कलर है थोड़ा डार्क है, रेड सॉइल का उससे कम है, और ऊपर वाली जो सॉइल है उसका कलर काफी ज्यादा लाइट है। ये जो आपके आसपास जो सॉइल मिलती है उससे आप जान सकते हो। तो इस वजह से नीचे से ऊपर से नीचे की तरफ हम आएंगे तो क्योंकि रिफ्लेक्शन कम होगा, क्योंकि नीचे डार्कनेस बढ़ती जा रही है, इसलिए एल्बेडो भी कम होगा। तो इसका मतलब एल्बेडो का डार्कनेस के साथ कैसा रिलेशन है, कलर के डार्कनेस के साथ नेगेटिव रिलेशन है। अगर कलर डार्क ज्यादा तो एल्बेडो कम होगा, ठीक है। तो एक तरीके से कलर के डार्कनेस से एल्बेडो का नेगेटिव रिलेशन। अगला हम कुछ और सरफेस हमें दिखाई देते हैं। ये तो हमने सॉइल के बेस पे जाना कि भाई डार्कनेस के बेस पे कैसा हुआ। कुछ सरफेस ऐसे हैं जहां पर आइस डिपॉजिट है, ग्लेशियर जैसे आपने देखेंगे सियाचिन ग्लेशियर है, ऐसे बहुत सारे ग्लेशियर, नॉर्थ पोल साउथ पोल। एक तो उसका कलर डार्क नहीं है, व्हाइट है। दूसरा हो सकता है कि एक ऐसी आइस हो जहां पर कुछ ब्लैक चीजें भी हो, जैसे कार्बन पहुंच जाता है और वहां पे अगर कार्बन होगा तो मतलब इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया। अगला तीसरा एक और सरफेस हो सकता है जो माउंटेन वाला, रॉकी माउंटेन, रफ टफ वाला, जिसका स्टीप भी थोड़ा सा ज्यादा हो, उस माउंटेन एरिया में जहां पे आइस ना हो और कलर भी थोड़ा डार्क हो। तो जो आइस बिल्कुल क्लियर है, जिस पर कुछ भी पॉल्यूशन नहीं है, वो सारी चीजें नहीं है, तो इस आइस का जो रिफ्लेक्शन है वो ज्यादा होता है, इसलिए इसका एल्बेडो ज्यादा होगा, ठीक है। ये हमने देखा भी ना, रिफ्लेक्शन डिवाइड बाय टोटल एनर्जी, तो ये टोटल एनर्जी इतनी ऑब्जर्व करता है, उसमें से ज्यादा एनर्जी को रिफ्लेक्ट कर देती है क्लीन आइस, इस वजह से एल्बेडो वहां पे ज्यादा होगा। वही आइस प्लस ब्लैक कार्बन, यहाँ पर थोड़ा सा पॉल्यूशन है तो एज कंपेयर टू फर्स्ट इसका जो एल्बेडो है थोड़ा सा कम होगा। और जो सबसे लास्ट है रफ एंड टफ, उसका कलर भी डार्क है, साथ में ही बहुत जगह कार्बन कार्बन ब्लैक कार्बन आपको दिखता है, तो इसका रिफ्लेक्शन और कम होगा, इसलिए एल्बेडो इसका और कम होगा। इसका मतलब जो सरफेस जितना ज्यादा क्लीन होगा या उसका कलर जितना अच्छा होगा उसका एल्बेडो उतना ही ज्यादा होगा, और जो थोड़ा सा रफ टफ टाइप का होगा जिसका कलर भी डार्क होगा उसका एल्बेडो भी कम होगा। तो हमने दो चीजें देखी, पहला एल्बेडो का कलर के डार्कनेस के साथ नेगेटिव रिलेशन, एल्बेडो का व्हाइट कलर के साथ पॉजिटिव रिलेशन, और साथ में क्लीन जो आइस है उसके साथ भी पॉजिटिव रिलेशन, लेकिन जो डार्क वाली या थोड़ा सा पॉल्यूटेड है उसके साथ थोड़ा सा नेगेटिव रिलेशन एक तरीके से होता है।
ठीक है, और सरफेस के जो क्लीन है उसके साथ पॉजिटिव एक्सेलरेशन। अगला ऐसे ही हम देख सकते हैं प्लांट के साथ, अलग अलग तरह के प्लांट हमें दिखाई देते हैं अर्थ पर। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिसके लीफ काफी लार्ज होते हैं, लार्ज लीफ वाले प्लांट, जैसे हम देखते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो लार्ज लीफ वाले जो प्लांट है, क्योंकि उनका एरिया ज्यादा है, लीफ भी बड़ा है, तो इस वजह से उसके पास रिफ्लेक्शन की जो पावर है वो कम होगी, इसलिए वहां पर एल्बिडो कम होगा। ठीक है, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा, और फोटोसिंथेसिस ज्यादा करेगा तो सोलर की एनर्जी भी ज्यादा चाहिए, उसका एरिया बड़ा है। उससे बाद दूसरी मीडियम टाइप की जो आएगी लीफ, मीडियम टाइप की लीफ वाले होते हैं जो हमारे मानसून टाइप के क्लाइमेट में कुछ पेड़ मिलते हैं, जैसे आप इसमें बहुत सारे पेड़ गिन सकते हैं, जैसे नीम का पेड़ होता है, ये पेड़ एक तरीके से किसके होते हैं, इसके होते हैं, शीशम का पेड़ होता है, चंदन का पेड़ होता है, ये मीडियम टाइप के पेड़ है जिनकी पत्तियां ना ज्यादा चौड़ी है ना ज्यादा छोटी है, मीडियम टाइप की है। तो इनका एल्बिडो थोड़ा सा मीडियम होगा, और जो सबसे शॉर्ट है आपको देखती है डेजर्ट एरिया में कैक्टस, उसमें पत्तियां ही बहुत छोटी होती है, कांटे वाली पत्तियां होती है, तो उसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि वो रिफ्लेक्ट करना चाहते हैं, उनके पास क्या नहीं है, एक तरीके से उनके पास पहले से ही वाटर कम है, और अगर एल्बिडो नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से इवेपोरेशन होगा और इन लोगों को दिक्कत होगी, तो इसलिए वो उस चीज को रिफ्लेक्ट करते हैं। तो इसका मतलब प्रकाश फोटोसिंथेसिस अगर ज्यादा, फोटोसिंथेसिस अगर ज्यादा होगा तो कहीं ना कहीं लाइट भी ज्यादा एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, लाइट अगर ज्यादा ऑब्जर्व होगी तो उसको कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट कम होगा, और इसलिए एल्बिडो भी कम होगा। इसलिए हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस के साथ एल्बिडो का कैसा रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है। हमने तीन चीजें जानी। ऐसे आप लोगों से पूछा जाता है कि किस सरफेस का, किस प्लांट का जो रिफ्लेक्शन रहता है वो ज्यादा होता है, या कहाँ पे एल्बिडो ज्यादा है कहाँ पे कम है, ऐसे कुछ एग्जांपल आप लोगों को स्टेटमेंट में दे दिए जाएंगे और उसके बाद ये जुड़ जाए। अगर हम बात करें अर्थ के सरफेस की, तो अर्थ के सरफेस पर जो ग्लेशियर होता है, क्लीन ग्लेशियर, उसका एल्बिडो सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन होता है। और बात करें एटमोस्फियर की, ऊपर की तरफ जो एयर वाला पार्ट है, वहां पर जो बादल होते हैं, क्लाउडी बादल जो होते हैं, उनका रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है। तो दो चीजों का रिफ्लेक्शन आप याद रखना, कि एटमॉस्फेयर में क्लाउड का, इसका रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा होता है, और अर्थ के सरफेस पे आइस का रिफ्लेक्शन ज्यादा होता है। क्यों? एक तो कलर बहुत काफी डार्क नहीं है, लाइट कलर है, दूसरा उस पर क्लीन आइस है, उसका सरफेस काफी ज्यादा क्लीन है। वही दूसरी तरफ एटमोस्फियर बादल, उसका भी सरफेस व्हाइट है और सरफेस भी काफी क्लीन है, इसलिए वहां पर रिफ्लेक्शन ज्यादा होगा। और सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब कौन करेगा, सबसे पहली बात जिसका कलर डार्क होगा, जैसे ब्लैक सॉइल यहाँ पे एब्जॉर्ब किया। दूसरी बात जिसका टेरेन थोड़ा सा कलर का वैसा होगा, तो रफ एंड टफ टाइप का, जैसे हमने माउंटेन टाइप का। और तीसरी बात, अगर प्लांट की लीफ बड़ी है, फोटोसिंथेसिस ज्यादा करता है, तो वो भी ज्यादा एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। तो इसके बेस पे ही हम अर्थ के अलग अलग पार्ट में एल्बिडो को एक तरीके से डिसाइड करते हैं। तो आप लोगों को अब रेडिएशन समझ आया होगा, और इसी को अर्थ की रेडिएशन कहते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगला जो हमारा पार्ट है, कंडक्शन। ये जो सेकेंड प्रोसेस है, जो मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर एक तरीके से होता है, वो होता है कंडक्शन। ये थोड़ा सिंपल होता है। इसमें क्या होता है, जो पार्टिकल्स हैं, ये एक दूसरे को पास में ही रहते हैं, दूर नहीं जाते, डिस्टेंस नहीं होता। इसको हम सिंपल वे में समझ सकते हैं, हमारे घर में भी हम लोग जब खाना पकाते हैं तो उसमें भी हम लोग कंडक्शन का यूज करते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा इंडक्शन, कहीं ना कहीं इंडक्शन भी कंडक्शन वर्ड से एक तरीके से आता है। तो आपके पास गैस है,
या इंडेक्स है, वहां आपने गैस चलाई और उसके ऊपर आपने एक अपना बीकर रखा, इसमें मान लेते हैं आपने वाटर रखा। तो इस वाटर की जो नीचे गैस चल रही है इसकी वजह से जो एनर्जी जनरेट हुई, तो इसमें क्या हुआ, पहली बात एक दूसरे से जो पार्टिकल है वो जुड़े हुए हैं, जॉइंट प्रोसेस चल रहा है, एक दूसरे से अटैच है, दूर नहीं है। जैसे हमने बोला रेडिएशन में वैक्यूम में सारी चीजें हो सकती है, लेकिन इसमें नहीं हो सकती। जॉइंट होना बहुत जरूरी है कंडक्शन के लिए। अगर बर्तन को आप लोग ऊपर रख दोगे, जैसे मैंने बताया था बीरबल की खिचड़ी, बर्तन को कितना ऊपर रख दोगे तो वो कभी भी खाना नहीं पकेगा। क्यों? क्योंकि अटैचमेंट नहीं हुआ, टच नहीं हुआ। आप गैस से जैसे ही बाहर निकालते हो, आप बेशक गैस चलाते रहो तो ऐसा नहीं होगा कि आपका खाना बाहर ही बाहर पक जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले ज्वाइंट होना जरूरी है। और अगली बात, जो पार्टिकल्स हैं उनका ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि आपने एक बार अपना बर्तन रखा, फिर उसको उतार लिया, फिर रखा, फिर उसको उतार लिया, तो उसमें हीट जनरेट ही नहीं हो पाएगी ज्यादा। ऐसे ही आप लोग जो आप घर में यूज करते हैं, तो आपने यूज किया हुआ, जब रोटी बनाते हैं हम लोग तो रोटी बनाते समय एक चिमटा हम लोग यूज करते हैं, तो अगर वो आयरन का है तो आप ज्यादा उसको यूज करेंगे तो उसमें भी थोड़ी सी हीट जनरेट हो जाती है, और उसका रीजन भी क्या होता है, कंडक्शन। ठीक है, तो कंडक्शन किसमें होता है, जहां पार्टिकल्स जो होते हैं वो एक तरीके से ट्रांसफर नहीं होते और एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, और उसकी वजह से एनर्जी डेवलप होती है। और इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे घर में जो फूड बनता है गैस से, वो इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल। और हम बर्तन को तभी एक तरीके से हीट दे पाते हैं जब उसमें वो चलता है। अगला क्या होता है, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन इसी से जुड़ा हुआ अगला प्रोसेस है। कन्वेक्शन में क्या होता है कि भाई जो पार्टिकल्स हैं वो एक तरीके से वर्टिकल फॉर्म में ट्रांसफर होते हैं। क्या है? मतलब ये आपने बनाया और इसमें आपने देखा भी होगा आपके जो नीचे से ऊपर की तरफ पार्टिकल्स जाते हैं, जब आप पानी को ज्यादा गर्म करोगे तो उसमें नीचे से ऊपर की तरफ जो पार्टिकल जाते हैं वो किस प्रोसेस का पार्ट होता है, कन्वेक्शन का। पहली बात वर्टिकल फॉर्म में पार्टिकल्स जाएंगे, और दूसरी बात इसमें हीट का ट्रांसफर होता है। इधर वाले में हमने क्या पढ़ा, ट्रांसफर नहीं, पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होने चाहिए। अगर पार्टिकल ट्रांसफर हुए तो कंडक्शन नहीं होगा, लेकिन ये क्या बोल रहा है, हीट का ट्रांसफर जरूरी है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में। तो इसे आप कह सकते हो वाटर का स्टीम के फॉर्म में चेंज होना, यही क्या है, कन्वेक्शन है। वर्टिकल फॉर्म में होता है और पार्टिकल्स एक दूसरे से ट्रांसफर होते हैं, हीट ट्रांसफर होती है, उसके बाद ही कन्वेक्शन एक तरीके से प्रोसेस होता है। और ये कैसे होता है, हमारे यहाँ जो ये वाला मान लेते हैं वाटर वाला एरिया है, और जब ये टेम्परेचर बढ़ता है तो उसके बाद क्लाउड जो बनते हैं, ये किसका प्रोसेस है, कन्वेक्शन का। जब तक क्लाउड स्टीम में, जो पानी है वो स्टीम में चेंज नहीं होगा, एक भाप में चेंज नहीं होगा, तब तक क्लाउड नहीं बनेंगे। और क्लाउड एक तरीके से वर्टिकल होता है, वाटर का वर्टिकल फॉर्म में जाना, और इसमें हीट का ट्रांसफर होना इंक्लूड होता है, या दूसरे फॉर्म में मैं कहूँ तो सेंसिबल हीट, लैटेंट हीट में जो चेंज हो जाती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। अगला जो पार्ट आता है वो है एडवेक्शन। एडवेक्शन में क्या होता है, कन्वेक्शन का बिल्कुल वो, जब हीट हॉरिजेंटल फॉर्म में चलने लग जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडवेक्शन। और ये भी आप लोगों को दिखाई देता है, आप लोगों ने महसूस किया होगा जब समर आता है तो उस टाइम लू, लू एक तरीके से क्या है, ऐसी हीट है जो हॉरिजेंटल फॉर्म में लगती है। और आपने फील भी किया होगा कि ये हमारे बॉडी में कई बार या हमारे फेस पर बहुत ज्यादा हीट एक तरीके से देती है। तो जब हॉरिजेंटल हवाएं चलने लग जाए तो उसी को हम क्या कहते हैं, एडवेक्शन कहते हैं। और इसमें भी हीट का ट्रांसफर इंक्लूड होता है, क्योंकि अगर हवा चलेगी तो कहीं ना कहीं हीट ट्रांसफर कर रही है, तभी हवा चल रही है।
तो हीट ट्रांसफर एक तरीके से चलता है, और इसे हम लोग नॉर्थ इंडिया में क्या बोलते हैं, एक तरीके से लू के नाम से जानते हैं, जो हॉरिजेंटल हवा है ये एक तरीके से। तो आप लोगों को समझ आया होगा कि भाई मेथड ऑफ हीट ट्रांसफर। अब इसको हम एक कॉम्बिनेशन में भी देख सकते हैं, सबसे कैसे हमारे एनवायरनमेंट में चेंज होता है। ये मान लेते हैं हमारी अर्थ का सरफेस, तो आप लोगों को एक चेंज दिखाई देगी। सबसे पहले अर्थ से कंडक्शन के थ्रू बिल्कुल जो एनर्जी आई वो हमारे यहां से टच है, तो हमने देखा भी था कि जो हमारी अर्थ है डायरेक्टली सन की लाइट से गर्म नहीं होती। सन की लाइट जो आती है अर्थ के सरफेस पर, वो पहले इस पर पहुंचती है, अर्थ के सरफेस पर पहुंच के फिर उसके बाद कंडक्शन होता है, सारे पार्टिकल एक दूसरे से ज्वाइंट होते हैं, हीट कहीं ट्रांसफर नहीं होती, और इस वजह से कंडक्शन से पहला जो हीट है वो जनरेट होता है, और हीट का ट्रांसफर होता है कंडक्शन के द्वारा। और जब ये हीट ऊपर की तरफ जाती है वर्टिकल फॉर्म में, मतलब वाटर जब ज्यादा एक तरीके से टेम्परेचर बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं वाटर स्टीम के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, और वाटर जब स्टीम के फॉर्म में चेंज होगा उस टाइम हमारा कन्वेक्शन होगा इस बी वाले पॉइंट पे, तो कन्वेक्शन होगा। फिर उसके बाद बादल बनेगा, और बादल बन के वो हॉरिजेंटल फॉर्म में पहुंचेगा, तो सी वाले फॉर्म में हमें क्या दिखेगा, कन्वेक्शन, कन्वेक्शन नहीं एडवेक्शन। तो सी वाले फॉर्म में क्योंकि हॉरिजॉन्टल चल रहा है तो ये एडवेक्शन हमें दिखेगा, और फिर उसके बाद ये वाटर बादल के फॉर्म में उसके बाद नीचे भी आएगा जिससे रेनफॉल होगी, और इस वाली प्रोसेस में फिर दोबारा से हमें क्या दिखेगा, कन्वेक्शन। तो ऐसे हमारी अर्थ पर ये सारी चीजें डी वाले पार्ट पे कन्वेक्शन, ऐसे हमारे अर्थ पर सारा प्रोसेस चलता रहता है कि भाई बादल बनने से लेकर हीट ट्रांसफर तक ये सारे प्रोसेस में सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो पहले वाटर जॉइंट पार्टिकल एक साथ आए, उसकी वजह से कंडक्शन हुआ, वाटर चेंज हुआ एक तरीके से स्टीम है, फिर उसके बाद कन्वेक्शन से वर्टिकल फॉर्म में गया, वर्टिकल फॉर्म से एडवेक्शन फॉर्म में बना बादल की तरह, और फिर वापस वो हमारे यहाँ बारिश या ड्रॉपलेट के रूप में नीचे की तरफ आ गया, तो इससे क्या है रेनफॉल होने लगी। तो ये पूरा प्रोसेस इसी से जुड़ा हुआ है कि कैसे हीट ट्रांसफर होती है, और हीट एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज होती जाती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं कि भाई हमारे अर्थ पर कैसे एक तरीके से हीट जनरेट होती है, कैसे एक तरीके से हीट चलती है। इसी से जुड़ा हुआ जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो होगा हमारी अर्थ का हीट बजट, कैसे हमारी अर्थ का हीट बजट एक तरीके से चलता है। इससे जुड़े हुए मेंस में काफी क्वेश्चन आते हैं कि कैसे हीट बजट हमारा चलता है। तो अर्थ के हीट बजट में हम दो चीजें के बारे में पढ़ेंगे, पहला अर्थ का जो एटमोस्फियर है उसमें क्या होता है, दूसरा जो अर्थ का सरफेस है उस पर क्या होता है, और सरफेस का भी टेरेन अलग अलग होता है, कहीं पे माउंटेन है कहीं पे प्लेट्यू है, तो ये सारी चीजें डिसाइड करेंगे भाई किस पे क्या चीज होगी। ये वाला पार्ट हम लोग कल देखेंगे। ठीक है सृष्टि जी, समझ आया? सृष्टि जी वॉइस आ रही है आपको?